राधे राधे। प्रभु भक्ति चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आज आपके साथ पूजा रावत। आज हम गोवर्धन के उन गलियों में आए हैं जहाँ पर माखन चोर कान्हा ने अपना बचपन बिताया था। साथ ही आज हम आपको गोवर्धन की परिक्रमा के भी दर्शन करवाने वाले हैं जो कि 21 किलोमीटर की है। अब हम आ गए हैं जहाँ से गोवर्धन परिक्रमा की शुरुआत होती है, दानघाटी, जहाँ से श्री कृष्ण गोपियों से माखन दान में लिया करते थे। यहीं से गिरिराज जी पर दूध चढ़ाकर भक्तजन परिक्रमा की शुरुआत करते हैं। और आप देख सकते हैं कि आसपास पेड़ों की दुकान है, दूध की दुकान है, फूलों की दुकान है, प्रसाद भी यहाँ से भक्तजन लेकर गिरिराज जी पर चढ़ाते हैं। अब हम आपको दिखाएंगे मंदिर। आप देख सकते हैं कि कैसे श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठ उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया हुआ है। ये एक आकृति बनी हुई है मंदिर की। और मंदिर के अब सामने चलते हैं, बिल्कुल अंदर की ओर चलेंगे और यहाँ से दिखाएंगे जहाँ पर से भक्तजन यहाँ पर आकर गिरिराज जी को दूध चढ़ाते हैं और परिक्रमा की शुरुआत करते हैं। और हम भी यहाँ से परिक्रमा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से धोख देंगे भगवान श्री कृष्ण को और साथ ही आपको दिखाएंगे कि साथ इस परिक्रमा की, जो 21 किलोमीटर की ये परिक्रमा है, यहाँ से जो शुरुआत होती है, बीच बीच में काफ़ी प्राचीन मंदिर भी आते हैं, उन मंदिरों के दर्शन भी हम आपको ज़रूर करवाएंगे। जब आप परिक्रमा की शुरुआत करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सीधे हाथ में गोवर्धन पर्वत है जो कि 21 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। और आप यहां पर आसपास देखेंगे भक्तजन पैदल चलकर परिक्रमा दे रहे हैं। कुछ भक्त रिक्शे में भी जा रहे हैं जो लोग चलने में सक्षम नहीं हैं। और यहां पर रास्ते में चलते हुए आप ये भी देखेंगे कि कुछ भक्तजन दंडवत होकर परिक्रमा दे रहे हैं। ये सब अपनी अपनी श्रद्धा है, सभी भक्त श्रद्धा अनुसार अपनी परिक्रमा दे रहे हैं। आप यहाँ पर आएंगे तो आपको भी ये नज़ारा देखने को मिलेगा। परिक्रमा में 2 किलोमीटर आगे चलकर आए हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटा सा आश्रम है जिसे रोटी वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे संत खुद ही खाना बना रहे हैं। यहाँ पर कोई खाना बनाने नहीं आता। और हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर राशन कहाँ से आता है, इस बात का आज तक किसी को नहीं पता। और साथ के साथ आगे हम आपको दिखाएंगे कि कुछ भक्त यहाँ पर पैदल चलकर भी परिक्रमा कर रहे हैं और कुछ भक्त यहाँ पर दंडवत होकर परिक्रमा दे रहे हैं। रोटी वाले बाबा जी का जो आश्रम है उससे कुछ दूरी आगे चलकर अगर आप आएंगे तो सीधे हाथ की तरफ गया प्रसाद जी की समाधि है। कहते हैं कि गया प्रसाद जी वो संत थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन कृष्ण भक्ति में गुजार दिया था। यहाँ पर अब हम आपको लेकर चलेंगे गया प्रसाद जी की समाधि के, आपको दर्शन करवाएंगे। यही वो रास्ता है जहाँ से भक्त अंदर की तरफ जाते हैं और गया प्रसाद जी की समाधि के दर्शन करते हैं। तो यही वो स्थान है जहाँ पर श्री गया प्रसाद जी महाराज का समाधि स्थल बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि कितने पुरानी तरीके से ये समाधि स्थल बना हुआ है। काफ़ी समय हो गए इस समाधि स्थल को। यहीं पर भक्त आते हैं और इनकी समाधि के दर्शन करते हैं। तो मूल है जिसका आश्रय और आश्रय सदगुरु है, उसके जीवन में नित्य दिवाली है। तो सामने आप देख सकते हैं ये गया प्रसाद जी की समाधि स्थल है। और कहते हैं कि इन्होंने ठाकुर जी को अपनी गोदी में खिलाया था। 10 साल, जब इनकी शादी को 10 साल हो गए थे उसके बाद ही अपना परिवार छोड़कर यहाँ आ गए थे। और इस मंदिर में जो इनका समाधि स्थल है यहाँ पर इत्र, धूप, अगरबत्ती सब जलाना वर्जित है। हम आ गए हैं परिक्रमा के दूसरे पड़ाव पर जो कि संकर्षण कुंड है। कहते हैं कि
गोवर्धन पर्वत पर इंद्रदेव ने 7 दिन तक लगातार बारिश की थी, तो गोवर्धन वासियों की रक्षा के लिए श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी ने अपनी एड़ी से चोट मारकर इस कुंड का निर्माण किया था। ये सामने संकर्षण कुंड है, और जब इस कुंड का निर्माण हुआ था तो गोवर्धन से जितना भी पानी बरस के आ रहा था वो सारा यहाँ पर इकट्ठा हो गया था। यही वह कुंड है आपके सामने बिल्कुल बना हुआ है, और हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर सामने बलराम जी की मूर्ति भी स्थापित है। इसके बाद अब हम अपने अगले पड़ाव पर चलेंगे जो कि पूछरी का लौटा है, और पूछरी का लौटे के आपको दर्शन जरूर करवाएंगे। आनियोर के क्षेत्र से 3 किलोमीटर दूर चलकर अब हम आ पहुंचे हैं पूछरी का लौटा में। माना जाता है कि जो भी भक्त परिक्रमा देने आता है तो उसे इस स्थान के दर्शन जरूर करने चाहिए। जो भी भक्त परिक्रमा करते हुए पूछरी के लौटा के दर्शन नहीं करता है तो उसकी परिक्रमा अधूरी मानी जाती है। यह है पूछरी का लौटा का प्राचीन मुख्य मंदिर, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भक्तों का किस प्रकार तांता लगा हुआ है, भक्तों की यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। तो चलिए हम आपको अब दर्शन करवाते हैं मुख्य मंदिर के। ये है श्री पूछरी का लौटा जी, और प्राचीन मुख्य मंदिर है ये इनका। भक्तों की भीड़ यहाँ पर लगी हुई है, यहीं पर आकर सभी भक्त दर्शन इनके जरूर करते हैं तभी उनकी परिक्रमा पूरी मानी जाती है। हमारा परिक्रमा का दूसरा पड़ाव जो कि पूछरी का लौटा है, और कैसे इसका नाम पूछरी का लौटा पड़ा वो आपने जाना। अब हम चलेंगे यहाँ से जतिपुरा, 2 किलोमीटर दूर है, और कहते हैं कि जतिपुरा वो स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठ उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठाया था। अब हम पहुंच गए हैं जतिपुरा, यही वो स्थान है जहां पर श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठ उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया था। आइए आपको लेकर चलते हैं जतिपुरा मुखारविंद की तरफ। देख सकते हैं सामने भक्तों की भीड़ लगी हुई है, और यही वो स्थान है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने कनिष्ठ उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया हुआ है। यहां पर आकृति भी बनी हुई है, सभी भक्त यहां पर आ रहे हैं, और ये प्राचीन मंदिर है। आप सामने देखेंगे तो आपको बहुत भीड़ नज़र आएगी, और सामने आकृति भी बनी हुई है कैसे कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी सी उंगली पर उठाया हुआ है। बड़ी परिक्रमा पूरी करने के बाद हम शुरू करेंगे छोटी परिक्रमा। रहे हैं छोटी परिक्रमा की ओर, और यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं अपनी छोटी परिक्रमा। आप देख सकते हैं कि काफ़ी घिरा हुआ बाजार है ये, और दोनों तरफ दुकानें लगी हुई है। लोग यहाँ से अपनी छोटी परिक्रमा की शुरुआत करते हैं, तो आप जैसे देख सकते हैं भक्तजन यहाँ पर पैदल ही परिक्रमा पूरी कर रहे हैं। अगर आप भी परिक्रमा की शुरुआत करते हैं तो सीधे हाथ की तरफ ये मंदिर पड़ेगा, बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये, लक्ष्मी नारायण महाराज जी का मंदिर है। आइए मंदिर के अंदर चलकर आपको दर्शन करवाते हैं। आप देख सकते हैं सामने आपको लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति दिखाई देगी, और आसपास श्रद्धालु यहाँ पर बैठे हुए हैं। और मंदिर के दाएं तरफ हम आपको दिखाएंगे श्री दक्षिणमुखी हनुमान जी का मंदिर भी है। चलिए अब हम यहाँ से चलेंगे अपने अगले पड़ाव की ओर। छोटी परिक्रमा शुरू करने के बाद 1 से 1.5 किलोमीटर हम आगे आए हैं, और ये वो जगह है जहाँ पर सभी भक्तजन आकर विश्राम करते हैं। ये विश्राम स्थल है, जैसे कि आप देखेंगे कि सभी लोग यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं, और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ से परिक्रमा 8 किलोमीटर की रह जाती है। राधा कुंड 4 किलोमीटर है इसके बाद, और फिर कुसुम सरोवर 6 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आइए चलते हैं। विश्राम स्थल से 4 किलोमीटर दूर चलकर पहुंच गए हैं हम राधा कुंड में। आइए अब हम दर्शन करेंगे राधा कुंड और श्याम कुंड के। तो चलिए दर्शन करते हैं।
जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे राधा कुंड है और हम आपको राधा कुंड के दर्शन करवाएंगे। इस कुंड की विशेषता ये मानी जाती है कि ये यहाँ का पानी दिन में 3 बार रंग बदलता है।